साउथ सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री समांथा रुत प्रभु अपने फिल्मी शकुंतलम को लेकर लगातार चर्चा में चल रही हैं। वैसे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, साथ ही समांथा की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। लेकिन वही एक प्रोड्यूसर का कहना है कि अब समांथा का फिल्मी करियर खत्म हो चुका है, उनके करियर में अब कुछ नहीं बचा। दरअसल समांथा रुत प्रभु पिछले कुछ साल से बड़ी मुश्किलों से गुजर रही हैं। वहीं अब तक नागा चैतन्या संग तलाक से उभर भी नहीं पाई और इसी बीच वे मायोसिटियस नाम की बीमारी का शिकार हो गई हैं, जिस वजह से समांथा को एक्टिंग से कुछ वक्त की दूरी बनानी पड़ गई थी। लेकिन बावजूद इसके समांथा फिल्में कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि शकुंतलम थिएटर्स में रिलीज हुई, जिसकी खूब लोग तारीफ कर रहे हैं। समांथा की एक्टिंग को भी खूब सहारा जा रहा है। मालूम हो कि समांथा को कुछ समय पहले ही मायोसिटियस नाम की बीमारी के बारे में पता चला। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, बेहद थकान, कमजोरी और बाकी परेशानियां शुरू हो जाती है। इन तकलीफों के बावजूद समांथा ने काम को रुकने नहीं दिया और इलाज के कुछ दिनों में ही सेट पर वापसी कर ली। लेकिन इसी बीच साउथ फिल्मों के दिग्गज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर त्रिपुरा नैनिन चिट्ठी बाबू ने समांथा को लेकर शॉकिंग बात कह दी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि समांथा का फिल्मों में अब करियर खत्म हो चुका है, अब वे दोबारा स्टारडम नहीं पा सकती। वैसे फिल्मी बीट के मुताबिक त्रिपुर नैनिन चिट्ठी बाबू ने ये दावा समांथा के फिल्म प्रमोशन के तरीके को देखकर कहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि समांथा फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपनी बीमारी और हेल्थ कंडीशन का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी पर त्रिपुर नैनी चिट्ठी बाबू ने एक इंटरव्यू में भी रिएक्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुर नैनी चिट्ठी बाबू से पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि समांथा फिल्म शकुंतलम के प्रमोशन के दौरान इमोशनल हो गई थी। इस पर रिएक्ट करते हुए बोले कि ये सब नकली था। समांथा बता रही थी कि शकुंतलम बनने के लिए उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा, लेकिन सभी एक्ट्रेस ऐसा करती हैं। उन्हें किरदार में घुसने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। यशोदा के प्रमोशन के दौरान भी ऐसा ही था। ये सही नहीं है, ये सिर्फ सिंपैथी पाने का तरीका है, पर इससे सिर्फ आलोचना ही मिलेगी। ये सही नहीं है, मेहनत करना आपकी नौकरी का हिस्सा है। हमने ऐसे कई एक्ट्रेस को देखा है जो किरदार के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन समांथा को अब सिंपैथी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत अजीब और सस्ती पब्लिसिटी है। वही त्रिपुरी नैनी चिट्ठी बाबू ने आगे कहा कि समांथा का वजन घट गया है और उनका चेहरा भी बदल गया है। वे बीमार हो गई हैं और हर फिल्म के लिए अब ड्रामा कर रही हैं। उनका करियर खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर समांथा की जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं वो सब पब्लिसिटी के लिए थे। बहुत से एक्ट्रेस हैं जिन्होंने बीमारी में भी काम किया है, बुखार में भी किया है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। समांथा अपना चार्म और स्टारडम खो चुकी हैं। वो एक सुपरस्टार थी और अपना पिक देख चुकी हैं। अब उन्हें आगे बढ़ना होगा, वे इसलिए ऐसे कदम उठा रही हैं। लेकिन समांथा को ऐसी सस्ती ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लोग भावनाओं से प्रभावित होकर फिल्में नहीं देखते। वैसे अब देखने वाली बात ये होगी कि समांथा रुत प्रभु इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या समांथा अपनी बीमारी का गलत फायदा उठा रही हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।